Hi guys, welcome back to my channel. Craving for some delicious street food? तो चलिए आज हम बनाते हैं एग चिकन रोल अपने किचन में फुल हाइजीन के साथ। सबसे पहले हम पराठे का डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, एक टीस्पून शुगर, फिर इसमें हम ऐड करेंगे करीबन 1.5 चम्मच तेल। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम हल्का गरम पानी लेंगे और इसका एक अच्छे से डो बनाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करेंगे। ये डो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। इस पे हम अभी थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ से लगा देंगे ताकि ये डो सूख ना जाए, और इसे हम फिर एक कपड़े से ढक के एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। के लिए एक स्लाइस्ड ऑनियन लेंगे, जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली और आधा नींबू। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। पहले हम एक पैन लेंगे और पैन गरम होते ही इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। तेल गरम होते ही इसमें हम डाल देंगे चिकन कीमा। चिकन कीमा को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 kg चिकन का कीमा लिया है। फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर ऐड करें करीबन 1 से 1.5 चम्मच चिली पाउडर। थोड़ा सा पेपर पाउडर। एक चम्मच सोया सॉस। 1 चम्मच विनेगर। और फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज और इसे थोड़े और देर के लिए भुनेंगे। फिर इसमें ऐड करिए टमाटो केचप, 1 चम्मच सिजवान सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, फिर हम इन सबको तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का पानी अच्छे से सूख ना जाए। चिकन का पानी ऑलमोस्ट सूख गया है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन का पानी अच्छे से सूख गया है और चिकन भी अच्छे से पक गया है, तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारा ये फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब हमारा जो डो रेस्ट कर रहा था उसे हम निकाल लेंगे और उसे अच्छे से थोड़े देर के लिए गूंद लेंगे। अब इस डो के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। फिर एक बॉल लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैदा डाल के रोटी की तरह गोल बेल लेंगे। इसे हम थोड़ा सा पतला बेलेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, अच्छी तरह से ऑयल को चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे।
फिर इसमें हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। पराठे में लेयर्स हम बहुत तरह से दे सकते हैं, बट आज मैं इस तरह से दूंगी। इस तरह से हम एक कट करेंगे और इसे कोन के शेप में राउंड घुमा लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे तरह से कोन बन गया है। अब इस कोन को हम बीच में से इस तरह से दबा लेंगे। ये आप देख सकते हैं लेयर्स अच्छे से बन गया है। अब हम इसे फिर से गोल बेल लेंगे। इसे बहुत पतला नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। अब हम एक पैन ले लेंगे। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। पैन गरम होते ही इस पे हम बनाया हुआ पराठा डाल देंगे। पराठे को हम एक तरफ से कुक होने के लिए रखेंगे और जैसे ही एक तरफ से थोड़ा कुक होता है, हम इसे पलट के दूसरे तरफ से भी कुक करेंगे। पराठे को बिल्कुल लो फ्लेम में हम बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल ऐड करते रहेंगे, वरना पराठा बहुत सूखा बनेगा। और लो फ्लेम में ही हम इसे करेंगे, वरना अंदर से ये पकेगा नहीं और बाहर से जल जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए इस तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक और पराठा थोड़ा क्रंची होने तक हम इसे लो फ्लेम में तेल ऐड करते हुए हम इसे फ्राई करेंगे। इस पे मैं अब थोड़ा सा ऑयल भी डाल रही हूँ क्योंकि फिर पराठा एक तरफ से सूख जाएगा। इसे दबाते हुए प्रॉपरली इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे ताकि हमारा किसी भी तरफ से ये कच्चा ना रहे। ये देखिए कितने अच्छे तरह से थोड़ा थोड़ा गोल्डन पड़ रहा है। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ से गोल्डन बनाएंगे इसे। दोनों तरफ से पराठा बन जाने पर हम एक अंडा लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फिर हम सेम पैन पे अंडा डालेंगे, उस पे हम पराठा को रख देंगे। अंडा को पराठे पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे ताकि पराठे के चारों तरफ अंडा अच्छे से लग जाए। फिर हम अंडे को फ्राई करेंगे प्रॉपरली। अंडा कुक हो जाने पे हम इसे पलट लेंगे और ये बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे बनाया हुआ चिकन कीमा। क्वांटिटीज आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे हमने जो प्याज, लेमन और ग्रीन चिली का एक मिक्स बना के रखा था वो हम ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर ही सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे चिली सॉस। ये ग्रीन चिली सॉस मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे हो तो चिली सॉस और ग्रीन चिलीज को आप अवॉइड करें और इसे हम रोल का शेप दे देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारे घर पे हमने बनाया है एग चिकन रोल। अब इसे खाने के लिए हमें बिल्कुल बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल हाइजीनिक है और जब भी मन करे हम इसे घर पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बिल्कुल ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये बहुत स्वादिष्ट बनी है।
तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये एग चिकन रोल कैसे लगी। जरूर ट्राई करें। अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।